दोस्तों आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं जहाँ पे फ्रेशर्स के बीबीटेक डिप्लोमा आईटीआई के और ट्वेल्थ के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। इसके रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारी ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और भी बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है, तो हम यहाँ पे जो है बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी आई है आपका एनआईटी जालंधर में जो है वैकेंसी क्रिएट हुई है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ रखी है। तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, तो पोस्ट का अगर नाम देखा जाए तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी क्रिएट हुई है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी क्रिएट हुई है, टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी क्रिएट हुई है। टेक्नीशियन जो है दो तरह का है, जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन। इसी तरह असिस्टेंट के लिए है वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, और देन ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो इसके रिगार्डिंग जो हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, इसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न तो हालांकि दिया नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बात करेंगे। देन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि हम जो है हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग, मतलब हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है थोड़ा लंबा जा सकता है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप जो है एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर की। तो ये जो है इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, और ये जो है डॉक्टर बीआर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में जो है ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी रखी गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है टेक्निकल असिस्टेंट में जो ब्रांच एलिजिबल है, पर ये देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी के, सिविल का, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, केमिस्ट्री, फिजिक्स के कैंडिडेट जो है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसकी जो पोस्ट है आपका 11 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट, एससी के लिए 3, एसटी के लिए जो 1, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। तो टोटल जो पोस्ट है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 23 रखी गई है। देन यहाँ पे अगर सैलरी की बात की जाए, तो सैलरी जो है टेक्निकल असिस्टेंट का सैलरी भी हम डिटेल में बात करेंगे, ब्रांच भी हम डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे डिप्लोमा, बी, बीटेक, आईटीआई और आपका ट्वेल्थ के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे सेपरेट में बात करेंगे। पहले आप जो है पोस्ट देख लीजिए। देन यहाँ पे एसएएस असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 1 पोस्ट है। इसी तरह जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, टोटल जो है 3 सीट है। देन टेक्नीशियन में अगर बात की जाए तो टेक्नीशियन में जो है 26 सीट यहाँ पे रखी गई है। सीनियर टेक्नीशियन की बात की जाए तो यहाँ पे 8 सीट रखी गई है। अभी हम इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी। देन यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो 13 सीट है, सीनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो 6 सीट है, स्टेनोग्राफर की 2 सीट, सीनियर स्टेनोग्राफर की 2 सीट, ऑफिस अटेंडेंट की जो है 9 सीट यहाँ पे रखी गई है। तो टोटल जो वैकेंसी है 93 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बारी बारी, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो देखिए टेक्निकल असिस्टेंट में जो वैकेंसी है वो उसका अगर हम बात किया जाए एज लिमिट, तो 30 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आपका फर्स्ट क्लास, यानी कि 60% बीटेक में या फिर एमसीए के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ब्रांच जो है मैंने इनिशियली डिस्कस किया था। देन यहाँ पे इस पोस्ट के लिए बैचलर्स यानी कि बीएससी के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। बीएससी इन साइंस किसी भी फील्ड से यहाँ पे एलिजिबल है। अब हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर, एसएएस असिस्टेंट और लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सैलरी जो है आप सामने देख रहे हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जा रहा है। 30 साल जो है एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो देखिए, जो जूनियर इंजीनियर है उसके लिए बीटेक के कैंडिडेट, सिविल और इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल या इलेक्ट्रिकल से तो जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एसएएस के लिए जो है यहाँ पे आपका बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें 27 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है जो इसेंशियल है, देखिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर 12th पास होना चाहिए विद साइंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 60% रिक्वायरमेंट है। या फिर अगर आपने साइंस कर रखा है उसके साथ साथ आपने आईटीआई कोर्स कर रखा है एक साल का, तो जो है यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने 10th पास किया है 60% से और आईटीआई कर रखा है 2 साल का जो आईटीआई होता है वो अगर आपने कर रखा है तो भी जो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखा है रिलेवेंट फील्ड में, रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो जो है आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था।
सीनियर टेक्नीशियन की बात की जाए तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए 33 साल जो है एज लिमिट रखी गई है, और यहाँ पे भी कंडीशन जो है सेम रखा गया है, सेम इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पे अगर जो डिज़ायरेबल है बैचलर्स डिग्री यहाँ पे डिज़ायरेबल है। अब हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए जो सैलरी रखी गई है ये इसका सैलरी है, 27 साल जो है एज लिमिट है। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, इस वैकेंसी के लिए, तो उसमें जो है 12th जो है पास होना ज़रूरी है किसी भी डिसिप्लिन से, चाहे वो आपका आर्ट्स से कर रखा हो, कॉमर्स से कर रखा हो, साइंस से कर रखा हो, ये मैटर नहीं करता है। देन यहाँ पे टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट जो है आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑफिस अटेंडेंट या फिर लैब अटेंडेंट की, तो यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट लैब अटेंडेंट है उसके लिए जो ये सैलरी रखी गई है 27 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। देन यहाँ पे 12th के कोई भी कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, 12th अगर आपने किसी भी फील्ड से कर रखा है तो आप जो है ऑफिस अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने साइंस से कर रखा है सिर्फ तो लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। तो ये जो है लैब अटेंडेंट का है, यहाँ पे अगर एक कैंडिडेट जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट में मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के एलिजिबल हो सकता है, लेकिन उसको जो है सेपरेट फॉर्म भेजना पड़ेगा फिल करके। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फॉर्म की लास्ट डेट और इस फॉर्म कब से ये स्टार्ट होगा। तो देखिए इसका जो लिंक है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, आपको जो है इस लिंक में जाके एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है ये, तो ये जो है आपका 2 सितंबर 2019 से जो है ये लिंक एक्टिवेट होगा, जिसकी लास्ट डेट जो है आपका 2 अक्टूबर यहाँ पे रखा गया है। उस 2 अक्टूबर से पहले फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करके, ऑनलाइन फिलअप करके, आपको उसकी हार्ड कॉपी निकाल के हार्ड कॉपी को जो है आपको सबमिट भी करना है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ। तो एड्रेस जो है ये एड्रेस है, इस एड्रेस में इस तारीख तक जो है आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए, मतलब ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, देन प्रिंट आउट निकाल के अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। देन यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 लिया जा रहा है जनरल्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, बाकी एससी एसटी कैंडिडेट और वुमेंस कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जो है रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है, स्किल टेस्ट भी हो सकता है, और या फिर इंटरव्यू भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी स्पेसिफिक नहीं किया गया है, यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा उसका पैटर्न जो है भी नहीं बताया गया है, तो इसका पैटर्न जो है आपको आने वाले दिनों में या फिर इनकी वेबसाइट में जो है बता जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ यहाँ पे जो टेक्निकल की फील्ड है उसमें जो है टेक्निकल के मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है जैसे 50 नंबर के क्वेश्चंस जो है नॉन टेक्निकल, जैसे आपके जनरल अवेयरनेस के रीजनिंग के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल फील्ड में वो टेक्निकल के होते हैं, और नॉन टेक वाले जो फील्ड है जैसे मैं 12th की बात करें तो उसमें जनरल साइंस के मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं। इसका एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात की जाए तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका जलंधर जो पंजाब में है वहाँ पे इसका आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहता है। तो उसके रिगार्डिंग अभी एग्जामिनेशन डेट के रिगार्डिंग, देन एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। देन एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं मल्टीपल पोस्ट के लिए, मोर देन वन पोस्ट के लिए, तो वो जो है सेपरेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट फॉर्म सेपरेट फी जो है उनको सबमिट करना पड़ेगा और सेपरेट तरीके से जो है उनको सेंड करना पड़ेगा जो एड्रेस मैंने यहाँ पर दिखाया। देन आप बात करते हैं कि जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं वो क्या फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं अगर उनका जो रिजल्ट है वो इंटरव्यू से पहले जो है प्रोड्यूस कर देते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो जो है वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप जो है फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको पोस्ट दिखा दे रहा हूँ जहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, केमिस्ट्री, फिजिक्स। देन जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, इसी तरह टेक्नीशियन के लिए ये ट्रेड जो है एलिजिबल है, जहाँ पे अगर आपने 12th कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीबीटेक कर रखा है तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये कुछ पोस्ट हैं यहाँ पे जिसमें सैलरी भी आपको शो हो रही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई है, अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इन वीडियो को ज़रूर देखें और फॉर्म को फिलअप कर दें जहाँ पे हमने बहुत सारी वैकेंसीज बता रखी है। हर एक वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे हमने लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है जहाँ से आप फॉर्म को डायरेक्टली फिलअप कर सकते हो। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।